के विश्वास को, विश्वास जन्म देता है अंधविश्वास को। हमारे देश में सबसे ज्यादा दान गरीब की झोली भरने के लिए नहीं बल्कि ये ढोंगी बाबाओं की तिजोरी भरने के लिए दिया जाता है। जब हम किसी से डरते हैं ना तो हम उस पर विश्वास भी बहुत आसानी से कर लेते हैं और ये ढोंगी बाबा हमारे डर का बहुत ही आसानी से फायदा उठा लेते हैं। जब इस देश में लोग किसी पर विश्वास करना चालू करते हैं ना तो बाढ़ आ जाती है। 1 से 2, 2 से 200 और 2 करोड़ तक होने में बिल्कुल पल भर का भी समय नहीं लगता है। आश्रम एक ऐसे ही बाबा की कहानी है जिसका नाम है बाबा निराला काशीपुर वाला। ये किसी को उपदेश नहीं देते, सिर्फ संदेश देते हैं भगवान का। ये अपने आप को गॉड मानते हैं। इनका मानना है कि मरने के बाद क्या स्वर्ग की कामना करना, मैं आपको जीते जी यहाँ स्वर्ग दिला सकता हूँ, पर आपको आश्रम आना पड़ेगा, अपना तन मन धन सब कुछ इस बाबा के चरणों में देना पड़ेगा और आपको मिलेगा हेवन। अभी कितना सच और कितना पाखंड ये सीरीज में हमको देख कर पता चलेगा। बाकी ये जो बाबा की कहानी है हमारे आसपास इसे हमें लगता है ना देखी हुई है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि धर्म के नाम पर पाखंड बड़े ही आसानी से चलता रहता है। ये आश्रम जो जितने सीधे साधे देखने में लगते हैं ना कि इनके अंदर कुछ नहीं होता है, उतनी ही काली सच्चाई रहती है। ये चमक धमक भरी दुनिया में हम भूल जाते हैं कि रियल सच्चाई है क्या। हमारे आंखों पर ऐसी विश्वास की ऐसी पट्टी बांध दी जाती है और धर्म के नाम पर ऐसे झूठ बोले जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में सच्चाई है क्या। पर ये लाखों लोगों की भीड़ में ना कुछ लोग होते हैं जिन्हें इन काली पट्टी के परे दिखता है, जहाँ ये ढोंगी बाबाओं का पाखंड बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि आखिर में सच्चाई है क्या, आखिर ये लड़कियां कहाँ गई। यहाँ पे करप्शन के साथ साथ देह व्यापार भी होता है और क्या क्या होता है आश्रम में, वो हमें इस सीरीज देख के पता चलेगा। बाकी हमें ये बहुत ही रियलिस्टिक सीरीज लगेगी क्योंकि हमें बहुत रियलिटी के करीब लेकर जाती है, क्योंकि हमने आसपास अपने देखा है, होते हुए देखा है कि लोग कैसे धर्म और आस्था के नाम पर हमारे विश्वास के साथ खेलते हैं। बाकी हमें इस सीरीज में बहुत सारी ऐसी चीजें भी दिखाई जाएंगी जो हमें अंदर से झिझोड़ कर रख देंगी और किसी पर भी विश्वास करने पर 2 बार जरूर सोचने को मजबूर करेंगी। बाकी सीरीज अच्छी है, एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से देख सकते हैं। लीड कैरेक्टर में हमें दिख रहे हैं बॉबी देओल, जो कि बाबा निराला काशीपुर वाला का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आदिति पोकर एक ब्रेव लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही है और चंदन राव का कैरेक्टर भी काफी अच्छा है। इसमें मुझे मानना पड़ेगा जो हमें पुलिस वाले का कैरेक्टर दिखाया गया है कि भाई सिस्टम का प्रेशर आए या किसी भी चीज का प्रेशर आए, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है और आखिर वो सच्चाई बाहर आती है। अब क्या क्या इस सीरीज में दिखाया जाता है कि कैसे पाखंड होता है, कैसे धर्म के नाम पर लोग उल्लू बनाए जाते हैं, कैसे दान निकाला जाता है, कैसे राजनेताओं से लेकर मतलब बॉलीवुड और जो भी मतलब फेमस होना चाहते हैं ना लोकल जनता के बीच कैसे इन बाबाओं का सहारा लेते हैं, और ये बाबा अपना धंधा अकेले नहीं चलाते, इनके साथ कौन कौन शामिल होता है वो भी हमें सीरीज में दिखाया गया है। ये बाबाओं के साथ राजनेता और साथ ही साथ जो हमारी रक्षा करते हैं वो तक शामिल रहते हैं। अब और सीरीज में क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या स्टापे हैं और ये बाबा के कितने रूप हैं, वो हमें सब कुछ आश्रम में देखने मिलेंगे। बाकी सीरीज अच्छी है, आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है। मैं सीरीज को देती हूँ अपनी तरफ से 3 स्टार्स। बाकी मैं बात करूंगी सीरीज के एमएक्स प्लेयर पे आने की, तो देखिए सीरीज काफी अच्छी है, मतलब कुछ हमें बोलते ना अंदर से कुछ जोड़ने वाले शब्द बोले जाते हैं कि भाई ये तुम सीखो, ये सीखो धर्म आस्था के नाम पर आप किसी पर भी ऐसे विश्वास नहीं कर सकते, आखिर आपको जागरूक होना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको सीरीज देख के पता चलेंगे। बाकी सीरीज की स्टोरी जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर, मैं जल्दी वीडियो लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाइम से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ढेर सारी अपडेट्स के लिए। थैंक यू।